नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। कस्तूरी देवी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार मीणा बीए थर्ड ईयर की क्लास वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास हिस्ट्री की पेपर सेकंड की क्लास को लेकर वापस उपस्थित हुआ हूँ आप सबके समक्ष। देखिए, हमारा टॉपिक जैसा कि आप सभी को पता है, हम पुनर्जागरण का के बारे में पढ़ रहे हैं। पुनर्जागरण का हमने अर्थ को पढ़ा, उसका कारण पढ़ा। अब जो हमारा पुनर्जागरण में के परिणाम है, पुनर्जागरण के परिणाम में हम कला को पढ़ चुके हैं, कला को कल हमने पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट है उसमें लिखेगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा परिणाम में साहित्य। क्या है? साहित्य। तो हेडिंग डालिएगा पुनर्जागरण। देखिए, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, हम लोग पुनर्जागरण, हमारा जो टॉपिक है पुनर्जागरण काल पढ़ रहे हैं। और पुनर्जागरण काल में मैं आप सभी को यह पढ़ा चुका हूँ कि पुनर्जागरण के क्या कारण थे, उदय के क्या कारण थे। अब हम परिणाम पढ़ रहे हैं कि पुनर्जागरण के क्या परिणाम रहे। तो उसमें हमने कला, उस कला को कल पढ़ा कि किस प्रकार से पुनर्जागरण के कारण कला के क्षेत्र में परिवर्तन आया, जो यूनानी और रोमन कला थी उनका मिक्सअप हुआ, उनका सामंजस्य हुआ, और किस प्रकार से पुनर्जागरण काल में भव्यता को जो है बढ़ावा मिला और कला के क्षेत्र में भव्य इमारतों का निर्माण हुआ। अब आगे हम साहित्य पढ़ेंगे। तो ये साहित्य में देखिए, जो पुनर्जागरण था, तो मैंने आपको बताया कि पुनर्जागरण में हमने जो विशेष रूप से जोर दिया था वो किस पे दिया था? बुद्धि के विकास पर। देखिए, बुद्धि का जब विकास हुआ, मानव ने तर्क की कसौटी पे आगे बढ़ा, बुद्धि का विकास हुआ। जब बुद्धि का विकास हुआ तो अब मानव क्या है, साहित्य का भी सर्जन करने लगा। और पुनर्जागरण काल में कुछ अनेक ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने मानव के जीवन को, जो कुरूतियां चल रही थी, रूढ़िवादिता चल रही था, अंधविश्वास चल रहा था, उन अंधविश्वासों पर उन्होंने कटाक्ष किए। उन्होंने जो है चर्च के ऊपर कटाक्ष करने की हिम्मत जुटाई और व्यंग्यात्मक रूप से, हास्य रूप से उन पर व्यंग किए। और इनमें हमारे प्रमुख जो साहित्यकार थे, दांते, पेट्रार्क, बोकासियो, रबेला, चौसर, स्पेंसर और शेक्सपियर। देखिए, वापस बोल रहा हूं मैं, दांते, पेट्रार्क, बोकासियो, रबेला, चौसर, स्पेंसर और शेक्सपियर, ये ऐसे साहित्यकार हुए थे। इन्होंने साहित्य को मानव का जो समाज था उसका आईना उसको समाज को आईना दिखाया अपने, किसके माध्यम से? साहित्य के माध्यम से। तो देखिए, इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले हमारे लिखेगा दांते। साहित्य हेडिंग डालना है, हेडिंग जो है आपको हेडिंग डालिए, हेडिंग डालना है साहित्य, पुनर्जागरणकालीन साहित्य, परिणाम पढ़ रहे हैं उसमें हम देखते हैं दांते। दांते की किताब का नाम क्या है? डिवाइन कॉमेडी। तो साहित्य में लिखेगा लेटिन और यूनानी भाषाओं के प्राचीन साहित्य, लेटिन और यूनानी भाषाओं के प्राचीन साहित्य के साथ पुनर्जागरण काल में स्थानीय भाषाओं के साहित्य का भी सर्जन होने लगा। देखिए, पहले क्या होता था कि सिर्फ लेटिन भाषा में साहित्य की रचना होती थी, अब क्या होने लगा, जो स्थानीय लैंग्वेज है, तो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, उसमें भी साहित्य का निर्माण होने लगा। अब रीजनल लैंग्वेज में साहित्य का निर्माण होगा तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा साहित्य को पढ़ा जाएगा, आसानी से पढ़ा जाएगा। लेटिन क्या थी कि जो है उच्च वर्ग की भाषा थी और कुछ एक सीमित वर्ग के लोग ही उस साहित्य को पढ़ सकते थे। तो अब क्या किया जाने लगा, रीजनल भाषा का उपयोग किया जाने लगा। आगे लिखेगा, मानववादी विषयों को साहित्य का सृजन का आधार बनाए जाने लगा। मैंने कल आपको मानववाद पढ़ाया था, मानववाद में मैंने आपको बताया था, मानववादी का मतलब यह है कि मनुष्य के जीवन को साकार करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, सकारात्मक कार्य किए जाते हैं, उसके जीवन को सुखमय बनाने के लिए जो भी प्रयास किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? मानववादी प्रयास है। तो मानववादी विषय को सृजन का आधार बनाकर अब साहित्य की रचना की जाने लगी। आगे लिखेगा, इटली के प्रमुख साहित्यकार दांते कहां का था? दांते और पेट्रार्क थे
दांते और पेट्रार्क थे। पेट्रार्क को मानववाद का पिता कहा जाता है। पेट्रार्क को कल भी बताया था मैंने, कई बार ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है आपके बीए स्टैंडर्ड में। पेट्रार्क को मानववाद का पिता कहा जाता है, पेट्रार्क को मानववाद का पिता कहा जाता है, जबकि दांते ने अपनी महत्वपूर्ण रचना डिवाइन कॉमेडी, दांते की किताब का नाम क्या है, डिवाइन कॉमेडी, जबकि दांते ने अपनी महत्वपूर्ण रचना डिवाइन कॉमेडी, दांते ने अपनी महत्वपूर्ण रचना डिवाइन कॉमेडी डिवाइन कॉमेडी की रचना की और इसमें उसने व्यंग्यात्मक रूप से रूढ़िवादिता पर और उसने इसमें व्यंग्यात्मक रूप से रूढ़िवादी जो भी उनकी परंपराएं थी रूढ़िवादिता पर हास्यात्मक टिप्पणी की, हास्यात्मक टिप्पणी की, आगे लिखेगा हास्यात्मक टिप्पणी की, जिससे हास्यात्मक टिप्पणी की जिससे पुनर्जागरणकालीन समाज में जिससे पुनर्जागरणकालीन समाज में लोगों के अंदर रूढ़िवादी प्रथाओं के प्रति अविश्वास उत्पन्न हुआ और वे तर्क की कसौटी पर बुद्धि के बल पर प्रत्येक विचार को स्वीकार करने लगे। आगे लिखेगा बुकासियो, लेखक का नाम है बुकासियो। देखिए इनकी किताबें कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे वन वर्ड में यही पूछेंगे, आपसे जो आपके वन वर्ड आएगा उसमें सीधा सीधा पूछेंगे डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है। तो डिवाइन कॉमेडी अगर मैं बात करूं आपसे पूछूं डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है तो आपका आंसर दांते आना चाहिए। और दांते कहां का निवासी था, इटली का निवासी था। तो ऐसे ही डेकामरेन बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, कई बार पूछा हुआ डेकामरेन को, तो बुकासियो की किताब है, लिखेगा बुकासियो की किताब का नाम है डेकामरेन। तो बुकासियो का 1000 कहानियों का संकलन, इसमें क्या है 1000 कहानियों का उसने संकलन किया है। तो बुकासियो का 1000 कहानियों का संकलन डेकामरेन के नाम से जाना जाता है, डेकामरेन के नाम से जाना जाता है। तथा इसमें उसने डेकामरेन में उसने क्या किया है, इसमें उसने बुकासियो ने क्या किया है इसमें सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष किया है। डेकामरेन में क्या किया है बुकासियो ने, सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष किया है, जिससे यूरोप के समाज में लोगों के अंदर सुधारों की प्रेरणा का संचार हुआ। नेक्स्ट है हमारी किताब का नाम, नेक्स्ट जो है लिखेगा साहित्यकार रेबेला, नेक्स्ट साहित्यकार था रेबेला। रेबेला क्या था, रेबेला ने धर्म निरपेक्ष एवं मानव के भौतिक जीवन के पक्ष को अपनी विषय वस्तु बनाया, और उसने धर्म पर चर्च के एकाधिकार का विरोध किया, और उसने रेबेला ने धर्म पर चर्च के एकाधिकार का विरोध किया नेक्स्ट है हमारा साहित्य में, नेक्स्ट साहित्य में हमारा चौसर, नाम है चौसर, किताब का नाम, चौसर की किताब का नाम क्या है, कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी
कैंटरबरी टेल्स, किताब का नाम चौसर कई बार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किताबें सारी इंपॉर्टेंट है, कोई भी किताब हल्के में ना लीजिएगा, कोई भी किताब आपसे बुक्स 101% क्वेश्चन आता है आपका। तो चौसर, चौसर की किताब का नाम कैंटरबरी टेल्स है। इसमें लिखेगा, इसमें लिखेगा चौसर को, चौसर को अंग्रेजी भाषा का पिता कहा जाता है, चौसर को अंग्रेजी भाषा का पिता कहा जाता है, चौसर को अंग्रेजी भाषा का पिता कहा जाता है, और इसकी किताब, इसकी रचना का नाम क्या है, कैंटरबरी टेल्स। इसकी किताब या रचना का नाम क्या है, कैंटरबरी टेल्स। आगे लिखेगा अंग्रेजी काव्य के पिता चौसर, अंग्रेजी काव्य के पिता चौसर ने कैंटरबरी टेल्स के माध्यम से, ने कैंटरबरी टेल्स के माध्यम से अंग्रेजी भाषा को अत्यधिक बढ़ावा दिया, अपनी भाषा अंग्रेजी भाषा को अत्यधिक बढ़ावा दिया। नेक्स्ट लिखेगा सर टॉमस मूर, सर टॉमस मूर, सर टॉमस मूर, सर टॉमस मूर की कृति का नाम, सर टॉमस मूर की कृति का नाम यूटोपिया था, यूटोपिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटोपिया। टॉमस मूर, टॉमस मूर, टॉमस मूर की कृति का नाम क्या है, यूटोपिया। टॉमस मूर की कृति का नाम यूटोपिया है। यूटोपिया में उसने, टॉमस मूर ने यूटोपिया में उसमें समाज में व्याप्त दोषों, समाज में व्याप्त दोषों का निरूपण किया, और समाज में व्याप्त दोषों का निरूपण किया, और उन्होंने एक आदर्श समाज की परिकल्पना की, और उन्होंने एक आदर्श समाज की परिकल्पना की, आदर्श समाज की परिकल्पना की। देखिए आप सोच रहे होंगे साहित्य से क्या फर्क पड़ता है आदर्श समाज का। देखिए हमारे भारत के महाकाव्य हैं दो, रामायण और महाभारत, महाकाव्य हैं दोनों की, दोनों की रचना की गई है आप सभी को पता है। तो अगर हम वर्तमान दौर में हमारे समाज की बात करें तो हमारा समाज का मुख्य आधार क्या है, ये दो साहित्य ही तो है हमारे समाज के मुख्य दो आधार, है या नहीं है। हम क्या कहते हैं, छोटा भाई लक्ष्मण जैसा है, बड़ा भाई राम जैसा है, भाभी सीता जैसी है, बात करते हैं या नहीं करते हैं। तो यूटोपिया में टॉमस मूर ने ऐसे ही आदर्श समाज की परिकल्पना की, और लोगों के पीछे, लोगों को एक आदर्श समाज का मॉडल प्रस्तुत किया कि इस तरह समाज का जो रूप होना चाहिए, समाज का जो आदर्श होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, तो मनुष्य का जीवन अधिक सुखी और नियमानुसार और कायदे के अनुसार होगा। तो नेक्स्ट हमारा लिखेगा स्पेंसर की फेयरी क्वीन, स्पेंसर की फेयरी क्वीन, स्पेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, स्पेंसर की फेयरी क्वीन, स्पेंसर की फेयरी क्वीन में भी मानवीय आदर्शों को स्थापित किया गया, स्पेंसर की फेयरी क्वीन में भी मानवीय आदर्शों को, मानवीय आदर्शों को स्थापित किया गया, मानवीय आदर्शों को स्थापित किया गया, और समाज में इन आदर्शों के अनुसार ही समाज के निर्माण की बात कही गई, समाज के निर्माण की बात कही गई। आगे लिखेगा उपरोक्त साहित्यकारों ने, उपरोक्त साहित्यकारों ने, उपरोक्त साहित्यकारों ने अपने साहित्यिक सृजन के माध्यम से, उपरोक्त साहित्यकारों ने अपने साहित्य के सृजन के द्वारा, अपने साहित्य के सृजन के द्वारा यूरोप के मानव को, यूरोप के मानव को न केवल अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से दूर किया,
न केवल अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से दूर किया, अपितु उन्होंने समाज के समक्ष एक आदर्श समाज का मॉडल भी प्रस्तुत किया, देखिए समाज का जो निर्माण होता है, वो किसी एक ही जो घटना है उसका परिणाम नहीं होता है, बल्कि समाज का निर्माण बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही धीरे धीरे, पीढ़ियों के बाद धीरे धीरे, पीढ़ियों से पीढ़ियों चलते चलते धीरे धीरे नियम कायदों का निर्माण होता है। और जैसे कि हम भारत में देखते हैं, उदाहरण के लिए कुछ एक समाज है, कई समाज है जिनमें बाल विवाह की प्रथाएं चलती है, बाल विवाह की प्रथा चलती है, दहेज प्रथा चलती है, कन्या वध चलता है। तो उन चीज़ों को हमने अपनी तर्क की कसौटी पे उतारा और हमारे जैसा कि राजा राम मोहन राय हुए समाज में, उन्होंने सती प्रथा को बैन किया। तो ऐसे ही अंग्रेजों के जो समाज था या यूरोप का समाज था, इसके निर्माण के लिए हम ये जो पुनर्जागरणकालीन साहित्यकार थे, इन्होंने अपना योगदान प्रस्तुत किया। आगे लिखेगा शेक्सपियर, तो साहित्यकारों का योगदान हमने देख लिया, अब देखते हैं शेक्सपियर लिखेगा। पुनर्जागरणकालीन शेक्सपियर का टाइम पीरियड कई बार पूछ लेते हैं, तो शेक्सपियर का टाइम पीरियड जो है, शेक्सपियर का टाइम पीरियड 1564 से 1616 ईस्वी डाल सकते हो, आप लिख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। शेक्सपियर पुनर्जागरणकालीन समय काल में अंग्रेजी का साहित्यकार एवं नाटककार शेक्सपियर हुआ, शेक्सपियर एक बहुत ही महान साहित्यकार एवं नाटकों का रचयिता व्यक्ति था, और इसने अनेक सुखांत और दुखांत नाटकों की रचना की। देखिए अब आप कहोगे सुखांत और दुखांत क्या होता है सर? देखिए कुछ आपने नाटक देखे होंगे जिनका अंत सैड होता है। अगर हम कोई पिक्चर देखने जाते हैं और हीरो मर जाता है तो हम कैसे आते हैं? उदास आते हैं, हमारा मन प्रसन्नचित नहीं होता। और अगर हम जाते हैं अंत में कोई पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, और उसमें हीरो और हीरोइन का मिलन हो जाता, शादी हो जाता, घरवाले भी खुश, आप भी खुश और समाज भी खुश, तो जिस सीरियल या नाटक या मूवी का अंत दुखांत होता है तो वो क्या कहलाते हैं? दुखांत नाटक। और जिस सीरियल और जो है नाटक का अंत सुखांत होता है तो वो क्या कहलाते हैं? सुखांत। अगर हम बात करें भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है, क्वेश्चन है आपके, प्राचीन काल पढ़ा होगा आपने, प्राचीन काल का क्वेश्चन है भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है, तो भारत का शेक्सपियर किसको कहा गया है? कालिदास को। कालिदास को क्यों? क्योंकि कालिदास एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने सुखांत और दुखांत नाटकों की रचना की थी, तो इसके कौन कौन से देख लीजिएगा शेक्सपियर के, कौन कौन? मर्चेंट ऑफ नेवी, रोमियो जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ, ये इसके प्रमुख जो है साहित्य और नाटक है। तो लिखेगा इसको, शेक्सपियर ने कई नाटकों की रचना की जिसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, हैमलेट और मैकबेथ, काफी बार नाम सुना होगा आपने, हैमलेट और मैकबेथ, ये दुखांत नाटक है मैकबेथ आदि उसकी प्रमुख रचनाएं या नाटक है। शेक्सपियर के नाटकों ने समाज के ऊपर गहरा छाप छोड़ी, यूरोपीय समाज पर गहरी छाप छोड़ी, और इसके नाटकों एवं साहित्य ने पुनर्जागरण को
बढ़ावा दिया और एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना योगदान किया और एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना योगदान दिया। आगे लिखेगा, शेक्सपियर ने अपनी रचनाओं में मनुष्य के भौतिक जीवन भौतिक जीवन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति की। इसी प्रकार से स्पेन के साहित्यकार का नाम है ये सर्वांटिज ने डॉन कियाते स्पेन के डपली वाला डे डॉन कियाते की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वांटिज का कई बार पूछा जाता है, रचना जरूर पूछते हैं, रचना का विशेष ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से स्पेन के सर्वांटिज ने डॉन कियाते की रचना की तथा उसने अपनी रचना डॉन कियाते में तत्कालीन यूरोप की सामाजिक स्थिति पर अपना व्यंगात्मक रूप प्रस्तुत किया। आगे लिखेगा, डच साहित्यकारों में इरेस्मस प्रमुख मानववादी साहित्यकार थे। इन्होंने अपनी रचना इन प्रेज ऑफ फाली रचित की या लिखी तथा इसमें उन्होंने चर्च के धर्माधिकारियों पर उपहास या उनका मजाक उड़ाया चर्च के धर्माधिकारियों का उपहास किया या उनका मजाक उड़ाया जो कि उस समय या काल को देखते हुए बहुत ही हिम्मत और साहस का कार्य था। उसने समाज में व्याप्त रूढ़िवादी प्रथाओं और अंधविश्वासों के विरुद्ध भी इन प्रेज ऑफ फाली में लिखा। उसने समाज में व्याप्त रूढ़िवादी प्रथाओं और समाज में व्याप्त अंधविश्वासों पर भी अपनी किताब या अपनी रचना इन द प्रेज ऑफ फाली में लिखा। तो देखिए, आज हमने जो है यूरोप का जो पुनर्जागरण काल था उसके साहित्य के बारे में अपन ने पढ़ा, जिसमें मैंने आपको सारे जितने भी मानववादी इतिहासकार जो भी साहित्यकार थे उन्होंने जो बातें कही उसके बारे में हमने पढ़ाई की और जो उनकी रचनाएं थी उसके बारे में चर्चा की। अब हम
पहली बात तो आप सभी ने, मैं समझता हूँ, ले ली होगी, बहुत आगे अब हम आगे आ चुके हैं। यह जो हमारा टॉपिक है समाप्ति की ओर है। कुछ एक इसमें पॉइंट है जो मैं जहाँ तक समझता हूँ अपन एक या दो क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए, आप सभी से फिर मेरा निवेदन है, अपना जो है निरंतरता है उसको बनाए रखिए। अब हमारी पढ़ाई के जो शेड्यूल है जो है उसमें आप सारे उससे जुड़िए। और मैंने कल भी आपको पहली पिछली क्लासों में भी बोला है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो हमारी क्लासेज है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे उपलब्ध हो जाएगा। और जब तक हमारे पास जो स्थिति बनी हुई है कोरोना वायरस को लेकर, तो उस स्थिति में हम जहाँ तक हम जो है ऑनलाइन क्लासेज का सहयोग ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेज के जरिए आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोग इसको प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स चैनल के साथ जुड़ने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं।